क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड फ्री है ये करके उन्होंने सफर करते साडे नाल कोई भी सवारी साड़ी बसों च नहीं बैठती। असीं नहीं कहते जिस तरह पंजाब रोडवेज या पी आर टी सी पैसे दिते जाते हैं सानू भी इस तरह पैसे दिते जा। सरहंद विखे पी आर टी सी के बस अड्डे बंद करके प्राइवेट बस ऑपरेटर के मुलाजमान वालों जोरदार रोस प्रदर्शन किया गया। उन्होंने पिछली सुबह सरकार के फैसले खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। इस मौके गुरिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, परमेंद्र सिंह, जगसीर सिंह, बलविंदर सिंह स्रोता, बब्बू टिवाणा, अजीत सिंह, मनजीत सिंह, गुरमीत सिंह आत्मा, सुजान सिंह ने संबोधन करदिया कहा कि पिछली सरकार वालों लिया फैसला प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लिए बहुत ही घातक साबित होया, जिस कारण कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बंद होने की नारे आ खड़ी है। जेकर हाले भी सुबह सरकार वालों इस गल वल ध्यान ना दिता गया तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के नाल नाल बहुत सारे घर के चूल्हे ठंडे पै जाएंगे। नाल ही उन्हें यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले नाल प्राइवेट बसों के औरतों वालों सफ़र करना बंद कर दिया गया तो सरकारी बस में कोई किराया नहीं लगता। उन्हें यह भी कहा कि पिछले समय के प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को इन्ना कु लाभ सी कि महीने बाद ही नवी बस पा ली जाती सी, परंतु जदों का सरकार वालों औरतों के किराया माफ़ किया गया इस समय तो बस पाउणी तो दूर पुरानी बसों बचाना भी मुश्किल हो गया। नाल ही उन्हें कहा कि साड़ी सरकार तो मंग है कि सरकारी बसों के औरतों के किराया माफ़ी बंद की जाए जा फिर प्राइवेट बसों भी इस स्कीम का लाभ दिता जाए ता जो औरत प्राइवेट बसों में भी सफ़र कर। उन्हें चेतावनी दी है कि अज जो प्राइवेट ऑपरेटर वालों कॉल की गई सी ये सिर्फ संकेतक धरना सी, जेकर सरकार वालों उन्हां दीआं मंगां वल ध्यान ना दिता गया तो वह संघर्ष को तेज करन लई मजबूर होणगे। मेरा नाम गुरिंदर सिंह, मैं न्यू पटियाला बस सर्विस डिस्ट्रिक्ट सरहंद दे विच बतौर इंस्पैक्टर लगे हुए हैं। जिहड़ा साडा मुद्दा है ज़्यादा यह आधार कार्ड नूं लैके है, जिहड़ा आधार कार्ड दे विच बीबियां नूं भैणां नूं फ्री किया गया इहदे बारे है। जदों एक लेडीज़ अपने बच्चों के नाल जां अपने पति दे नाल आउंदी है ट्रांसपोर्ट दे विच सफ़र करन वास्ते तां उह पहल पंजाब रोडवेज़ नूं दित्ती जांदी है जां पी आर टी सी नूं, क्योंकि उन्हां दे विच आधार कार्ड फ्री है ये करके उन्हें सफ़र करते साडे नाल कोई भी सवारी साड़ी बसों च नहीं बैठती। इस करके सानू बतौर घाटे वाले पास काम चल रहा, साढ़े को 10 या 15 सवारियां ने जिसे अजक डीजल के रेट बदल करके जा टायरां की महंगाई जा टैक्स सानू है जो देना बड़ा मुश्किल हो गया। इस करके साड़िया बसा ने जिहड़ियां वो तकरीबन प्राइवेट जिन्हें भी चल रही 40 तो 50 तो लेकर 70 तक भी चलिया गई जी फट चुकी ने। असं ये गल कहने भी जे आधार कार्ड रोडवेज या पी आर टी सी चला तो तुम प्राइवेट में भी लागू करो। असी नहीं कहते जिस तरह पंजाब रोडवेज या पी आर टी सी पैसे दिते जाते हैं सानू भी इस तरह पैसे दिते जाए ता जो घाटा है वो पूरा हो सके और नियमित असी बसा चला सकी, क्योंकि अजक बसा खड़न करके साडे वीर इन्ने बेरोजगार हो चुके हैं कि वह घर वेले बैठे ने, इस करके वो गुजारा करना बिल्कुल बहुत औखा हो गया। इस करके यही बेनती कर रहे हैं पंजाब सरकार को भी जे ये साड़ी अज की असी 48 इसे करके रखी गई है, जे तुम अजक भी ना बेनती सुनी तो असी आने वाले टाइम के पूरा संघर्ष करांगे और प्राइवेट को सही तरीके वाल लैके जाएंगे। गल की जाए तो काफ़ी लंबे समय तो जो पी आर टी सी चल रहा अज ही क्यों धरना लाया, पहला क्यों नहीं लगाया गया धरना? इस करके नहीं लगाया गया कि असी कोई नहीं साढ़े को बसा है, असी थोड़ा बहुत वेच के गुजारा कर लिया, क्यों टैक्स भरना से असी भर रहे हैं। इस करके नहीं लाया गया कि क्यों सू वित्तीय घाटा बहुत ज़्यादा पै गया, क्योंकि डीजलों के रेट ही इन्ने बढ़ चुके हैं। पहले 62 रुपये के डीजल से हूँ 87 रुपये से चलिया गया, टायरों दी अटक हो गई, जिहड़ी बस की चासी इस टाइम 13-14 लाख की अज 25-26 लाख की हो गई है, तो जिहड़ी बाडी 3 लाख रुपये की लगती बस में अजक वो बस की बाडी 8-9 लाख रुपये तो घट नहीं लग रही। इस करके बसों की किस्तां भी नहीं भरिया जा रही, हूँ तक पंजाब के टोटल तुम देखोगे कि सारे पंजाब 25 बसों तो वध नहीं पाई गई। इस करके हूँ बसा पानी भी बहुत मुश्किल हो गई ने, किस्तां किहड़े तरीके लाहांगी बसों दी जे नवी बसा पावे।